शहबाज भाई बताओ ना, कल ये बकरा का अपने वीडियो बनाए थे निजाम भाई के साथ, ये बकरा कलकत्ता जा रहा है, मस्त बकरा। रिंकू भाई के पास जा रहा है गया में, रिंकू भाई के पास जा रहा है कलकत्ता। अभी गाड़ी तो उधर ही है ना, लेके आ जाना तुम। अभी ये बकरा जाएगा स्टेशन। कौन सी है? ये तीनों मादी है ना? क्या रेट में दे रहे भाई ये? 11,000 सब अदंते के दांत वाले हैं। और गाबिन एक ही है, कौन सी वाली गाबिन है वो? नासिब एक बार अपना नंबर बोल दीजिए ना आप। 922 हाँ 47-388-25। और नासिब भाई कोई बाहर से कॉल करे तो भेज भी देते हैं आप? हाँ भेज देंगे ना, उसका खर्चा अलग देना पड़ता है। हाँ खर्चा अलग देंगे। बहुत जन आपका नंबर मांगते हैं, मतलब आपसे नंबर ले लेते हैं। ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम अयाज भाई। वालेकुम अस्सलाम अयाज भाई, काफ़ी अच्छा लगा उस दिन भी मिलके और आज भी आपसे मिलके। सो बैंटम का और माल आया आपके यहाँ? आया ना अपने पास, मेल और फीमेल दोनों आए। दोनों आए? एक ही कलर का सब आए। ओके माशाल्लाह, कितने जानवर है टोटल? टोटल अभी अपने पास 30 नग आए अभी आज। हाँ अभी आधा एक घंटा ही हो रहा है दोस्तों। अच्छा अभी जस्ट आए हैं? अभी जस्ट आए ही, इंदर नहाने के बाद मालूम पड़ेगा कि उसी क्वालिटी के है सब। अच्छा बाल वाले भी बच्चे, विदाउट बाल वाले भी बच्चे। अच्छा बाल वाले भी फीमेल है अपने पास, लेकिन लोग नहाने के बाद ही मालूम पड़ेगी कैसे जानवर। ओके आप तीन चार बता दो ना इसमें से। बता दे दो, दो तीन मेल बता दो और एक दो फीमेल बता दो। अच्छा हाँ एक ही माँ के बच्चे। एज अ ब्रीडर यूज कर सकते ना इनको? कर सकते हैं, ब्रीडिंग के लिए रख सकते हैं अपन इसको। माशाल्लाह अच्छे बच्चे। क्या इनका इनका कॉस्ट क्या है भाई? भाई कितना इनका पैसा, कितना मांग रहे हैं आप? इनके अपन मांग रहे हैं 12,000। 12,000 रुपये पर जानवर? ओके ठीक है भाई, माशाल्लाह छोड़ दो। इसमें से एक बताता हूँ आपको, बफ वाला बच्चा है, तो फ्यूचर में उसको बफ भी आएंगे और बाल भी आएंगे। गोद में लेके बता दो ना। माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है भाई। ये कितने में देंगे आप? ये अपन इसका मांग रहे 9,000 रुपये। 9,000 रुपये। इसका नाक नक्शा भी काफ़ी अच्छा है। ये बहुत वाला बच्चा है, फ्यूचर में इसको बाल आएंगे। कैसा गंदगी की वजह से समझ नहीं आ रहा। ट्रैवलिंग किया ना भाई अभी? हाँ। उसने ये गंदगी की वजह से समझ में नहीं आ रहा। पहले मेन मसला ये है कि लिली पुट है, बैंटम हाँ। से भी शॉर्ट साइज। शॉर्ट साइज हाँ ठीक है। अभी एक दो अच्छी फीमेल बता दो भाई जोड़ी के साथ लेने के लिए। जो ये इसके साथ तुम जोड़ी लगा सकते हो। गाबिन है कि खाली है? खाली है अभी ये। कितने तक मिल जाएगी भाई है? ये इसके अपन 8,000 रुपये मांग रही है। 8,000 का? हाँ ये 8,000 रुपये। ठीक है भाई। और छोटे बच्चे ये? ये छोटे बच्चे, ये भी बाल वाला बच्चा है। ये कैसे ब्लैक की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये वाला भी बाल वाला बच्चा है। और ये अदंत में अभी, ये भी ब्रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं। जो यूनिक कलर है ना ये, हाँ फुल ब्लैक, फुल ब्लैक। इसमें का ही एक बच्चा मैं अपने पालने के लिए रखा हूँ, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये अच्छा, ये लिली पुट बच्चा, गोद में लेके बता दो ना। वाह मेरे को पालने के लिए रखा हुआ है। क्यों मतलब ये एकदम यूनिक है क्या भाई? यूनिक है ये, खड़े सिंह का बैंटम है। ये कितने तक बेचेंगे अगर बेचना होगा तो? नहीं बेचना होएगा तो 12,000 तक के बेचेंगे आप। माशाल्लाह अगर कीमत लगेगी तो ही बेचेंगे, तो पालेंगे इसको। बहुत प्यारी चीज़ है, आँख भी काली एकदम।
बहुत प्यारी चीज है। इसको रख ले तो घर वालों को भी नजर नहीं लगे। पहनाने की भी जरूरत ही नहीं भाई। आज भाई एक बार आपका नंबर दो ना, 9167034149। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज भाई। हफ्ते में हर दिन यहाँ मिलेंगे, हर दिन मिलूंगा मैं, है ना, एक भी दिन छुट्टी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ भाई। एंड फ्रेंड्स, आज मंडी में बहुत सारे कोटा, करोली कोटा के बकरे बकरियाँ भी आए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आप सबको पता है कि देवनार की जो बकरा मंडी है मुंबई में, ये सैटरडे और ट्यूसडे को लगती है। आज ट्यूसडे का दिन है, आप देख सकते हैं पूरी पट्टी आई हुई है कोटा बकरों की। इनको इसी तरह मंडी में लाया जाता है, इनको पानी दे के खाना खिला के फिर पट्टियों में बांधा जाता है। पट्टियों का मतलब है कि एक साथ 6-6, 8-8 या 10-10 बकरे या बकरियों को साथ में बांधा जाता है, जो लगभग सेम साइज़ के होते हैं। एंड देन जो कसाई वगैरह हैं या जो बेचने वाले हैं वो आके यहाँ से ख़रीदते हैं। और कुछ बकरे वाले बकरी सही दिखाई के होते हैं, अच्छे होते हैं, बकरी तीन ऐसा ही बांध दिया जाता है, लेकिन इसकी सिंग वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सिरोही नस्ल में है ये, मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लूँ। ये काफ़ी उम्र वाली बकरी है, बेसिकली ये पालने के काम में नहीं आएगी, पर अगर आप देखेंगे इसकी जो हॉर्न्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं ब्रीडर के तौर पर बड़े बकरे भी देखने मिलते हैं आपको। ये जो वक्त चल रहा है अभी मुंबई में, बेसिकली ये बसेरा जो फेस्टिवल है, 9 रात होती है, जैसे नवरात्रि कहा जाता है, इसमें जो हमारे बहुत से लोग हैं नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उस हिसाब से भी माल थोड़ा कम आ रहा है देवनार में। इनफैक्ट जो मैं पट्टी की बात कर रहा था, जिस तरीके से बाहर आपने देखा था सारे जानवर जो थे एनिमल्स खुले हुए थे, लेकिन अंदर ला के उन्हें ऐसा राउंड में बांध दिया जाता है। कसाई जो आते हैं उनके लिए अच्छा होता है कि उनको एक साथ 10-12 बकरे मिल जाते हैं, एंड बेचने वाले के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, एक साथ उनका बड़ा लॉस दिखता है, क्योंकि एक एक बकरा बेचने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन जो बहुत सारे जो एक साथ बांधे जाते हैं पट्टी के हिसाब से, तो वो काफ़ी ईजी होता है। फ्रेंड, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ माल कम ही आया है, बेसिकली ट्यूसडे के दिन कम माल ही आता है, लेकिन उस हिसाब से भी कम था क्योंकि दशहरे का वक्त चल रहा है, तो ज़्यादा सेलर्स नहीं आते हैं बकरे लेकर, क्योंकि उनको डर होता है कि बिकेगा कि नहीं वो हिसाब से। पर लाइक ये वीक के बाद में दशहरा ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी अच्छे बकरे आने की उम्मीद है आफ्टर दशहरा। आप देख सकते हैं कोटा और करोली कोटा काफ़ी सारे आए थे। बहुत लोग बोलते हैं कि लोग कट्टू के बारे में भी उनको जानना है, तो आप देख सकते हैं कट्टू के बकरे को कैसे रखना पड़ता है, कैसे उसका सेलिंग वगैरह पूरा प्रोसेस होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले दिनों में देवनार के ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और बाकी मंडियों के भी। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।